अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तवा चिकन चिली फ्राई की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आप इसे एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो फिर चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने लिए है 4-5 हरी मिर्च, 8-10 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक के टुकड़े, आधा नींबू स्लाइस किया हुआ, 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज। फिर मैंने 1/2 kg चिकन को नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट कर दिया था। फिर मैंने लिए 1 tablespoon काली मिर्च। सबसे पहले आप एक ग्राइंडर जार लीजिए, उसमें आप ऐड कीजिए हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की कलियाँ। इन सब चीज़ों का आप एक कोर्सली पेस्ट बनाइए, पानी मत ऐड कीजिए। अभी ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको इसे ग्राइंड कर लेना है। अभी दूसरी तरफ से आप एक तवा गरम कीजिए, उसमें आप ऐड कीजिए अराउंड 2-3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा गरम होने दीजिए, जैसे ही ऑयल गरम हो जाए आप इसमें ऐड कीजिए मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन ऐड करने के बाद आप इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिए। फिर चिकन का जैसे थोड़ा कलर चेंज हो जाए, आप एक डीप बॉल लीजिए या आप एक वेसल लीजिए और उस पर ढक के 15 मिनट के लिए पकाइए। 15 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लीजिए एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का पानी जो है वो निकल चुका है, और अभी हम चिकन को भी चेक कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम हाई करके पानी सूखने तक पकाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं चिकन का पानी जो है वो बिल्कुल सूख गया है और आपको यहाँ पे सिर्फ ऑयल दिखाई दे रहा है। तो अभी हम चिकन को थोड़ा 2-3 मिनट के लिए इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अभी हम इस पर ऐड करेंगे प्याज, शिमला मिर्च, और फिर इसे हम शिमला मिर्च और प्याज थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो पेस्ट हमने बनाया था, अदरक मिर्ची और लहसुन का। और फिर हम इस पर ऐड करेंगे नींबू के स्लाइसेस और इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पे। और हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। तो अभी ये तवा चिकन चिली बिल्कुल रेडी है, आप इसे एज अ स्टार्टर सर्व कीजिए। ये बहुत ही यम्मी रेसिपी है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।